नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाई रिव इंडिया को। दोस्तों, अगर आप काफी दिनों से कोई पिकअप ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अगले साल टोयोटा, फोर्ड, निसान की कुछ शानदार पिकअप ट्रक लॉन्च होने वाले हैं। हो सकता हो कि आपकी ड्रीम कार आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 2021 टोयोटा हिलक्स। दोस्तों, कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने अपने वेंचरेबल पिकअप ट्रक्स हिलक्स को एक नया मेकओवर दिया है। कंपनी ने इसकी डिजाइन में बदलाव किया है और साथ ही इसके चेसिस में भी बदलाव किया है। इसमें कुछ नए फीचर्स जुड़े हैं और इनके इंजन को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया है। इसके इंजन की बात करें तो टोयोटा ने इसके फ्रंट एंड में बदलाव करते हुए इसमें नया 3-डायमेंशन ग्रिल का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही इसके बम्पर में भी बदलाव किया है, जिसकी वजह से ये सड़क पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। टोयोटा ने इसके हाई एंड वेरिएंट में LED हेडलाइट और पीछे LED टेल लाइट का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसे एक नए और आकर्षक ब्रॉन्ज मेटालिक कलर में पेश किया है। कंपनी ने इसके इंटीरियर को भी अपग्रेड किया है। इसके इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने अब इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, जिसमें पहले से बेहतर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है और ये पहले से ज्यादा तेज और रिस्पॉन्सिव हो गया है, और इसमें शॉर्टकट के लिए कुछ नए बटन भी दिए गए हैं। दोस्तों, कंपनी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले का सपोर्ट भी दिया है। इस कार की नई किट में 800 वॉट के 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा टोयोटा ने इसके इंजन में भी बदलाव किया है। बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में इसमें 2.4 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब कंपनी ने इसके साथ नया 2.8 लीटर डीजल इंजन भी पेश कर दिया है। ये इंजन मौजूदा इंजन से काफी ज्यादा ताकतवर है। हिलक्स का 2.8 लीटर डीजल इंजन 201 BHP की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। कंपनी का दावा है कि ये ट्रक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सिर्फ 3.2 सेकंड में ही पहुंच जाता है, जो कि इसके 2.4 लीटर वर्जन से काफी तेज है। इस पिकअप ट्रक की कीमत 20 लाख रुपए तक होने वाली है। फोर्ड रेंजर रैप्टर। दोस्तों, फिल्म फोर्ड भारत में रेंजर रैप्टर पिकअप को आयात करने की तैयारी में है। इस पिकअप ट्रक को सिर्फ लिमिटेड यूनिट में भारत में लाया जाना है। देश में ऑफ रोड वाहनों के बढ़ते चलन को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि ये सामान पिकअप मॉडल से बिल्कुल अलग है, इससे खराब इलाकों में तेजी से चलने के लिए बनाया गया है। फोर्ड का ये पिकअप ट्रक उसकी पहचान कही जा सकती है, जो कि दमदार परफॉर्मेंस, खराब इलाकों में बेकार सड़कों पर भी आसानी से सफर करने के लिए जानी जाती है। वैसे तो भारत में इस तरह की वाहनों की मांग न के बराबर है, लेकिन पिछले कुछ समय से लाइफस्टाइल ऑफ रोड वाहनों की तरफ ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। दोस्तों, इस रेंजर रैप्टर पिकअप की अपनी अलग ही पहचान है। वैसे भी भारत में इसे सिर्फ लिमिटेड संख्या में ही लाया जाना है। महिंद्रा की फोर्ड के साथ साझेदारी भी सही चल रही है। इसी में बड़े व ऑफ रोड SUV बेचने के महिंद्रा के अनुभव का लाभ फोर्ड ले सकती है और इसे उतार सकती है। ये बात और भी पुख्ता हो जाती है, क्योंकि हाल ही में इस पिकअप को भारत में टेस्ट करते देखा गया है। इस दौरान इसे किसी भी तरह से ढका नहीं गया था। फोर्ड रेंजर पिकअप की बात करें तो इसे फोर्ड एवरेस्ट SUV के चेसिस पर बनाया गया है, जिसे भारत में फोर्ड एंडेवर के नाम से बेचा जाता है। फोर्ड रेंजर का फ्रंट डिजाइन और इंटीरियर काफी हद तक फोर्ड एंडेवर SUV से लिया गया है। फोर्ड रेंजर में एंडेवर का हेडलाइट, टेल लाइट, फ्रंट ग्रिल, बम्पर और अलॉय व्हील दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि ये पिकअप ट्रक फोर्ड एंडेवर का ही पिकअप मॉडल है। दोस्तों, अगर इंजन की बात की जाए तो फोर्ड रेंजर में एंडेवर का ही इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ट्विन टर्बो इंजन है, जो कि 213 BHP का पावर व 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करने वाली है। इसमें फोर्ड का 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगाया जाएगा। इसके फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में 6 मोड दिए जाएंगे। फोर्ड रेंजर में 283 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे भारत की सड़कों के स्पीड ब्रेकर को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसकी वाटर वेंडिंग क्षमता 800 मिलीमीटर होगी तथा 285 मिलीमीटर के चौड़े टायर लगाए जाने हैं। इसमें बाजा मोड दिया जाना है, जो कि खराब इलाकों में चेसिस इंटरवेंशन को रोकने का काम करेगा। फोर्ड रेंजर रैप्टर की कंपनी की 2500 होमोलोगेशन की फ्री रूट के तहत लाया जाएगा। इसे 2021 के मध्य तक भारत में उतारा जा सकता है। माना जा रहा है कि इस ऑफ रोड वाहन की कीमत 70 लाख रुपए हो सकती है। ऐसे में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले से ही संपर्क करना सही होगा, क्योंकि कंपनी इसे लिमिटेड नंबर में लाने वाली है। इस ट्रक की कीमत 70 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है।
नेक्स्ट जेन इसुजू डी मैक्स। दोस्तों इसुजू डी मैक्स भारतीय बाजार में सबसे पॉपुलर 5-सीटर पिकअप ट्रक में से एक है। ये कमर्शियल और निजी दोनों उपयोग के लिए उपलब्ध है। हाल ही में इसुजू ने थाईलैंड में इसके थर्ड जनरेशन वर्जन से पर्दा उठा दिया है। इसे नई स्टाइलिंग, पहले से ज्यादा फीचर्स और बड़े साइज में पेश किया गया है। नई इसुजू डी मैक्स पहले से 10 मिलीमीटर चौड़ी है। इसका व्हील बेस भी पहले की तुलना में 130 मिलीमीटर ज्यादा है। हालांकि इसकी ओवरऑल लंबाई और ऊंचाई पहले से कम है। नई इसुजू डी मैक्स के फ्रंट में इसके मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा बड़ी ग्रिल, नई हेडलाइट्स और नए बम्पर्स दिए गए हैं। ये पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक और दमदार लगती है। कार के रियर में भी नई डिजाइन के टेल लैंप्स और बॉडी कलर बम्पर दिया गया है। इसुजू ने इसके कार्गो गेट में कोई बदलाव नहीं किया है। 2020 डी मैक्स के केबिन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। इसका डैशबोर्ड लेआउट बिल्कुल नया है। साथ ही कंपनी ने इसमें नए डिजाइन के स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल लेआउट की भी पेशकश की है। इसका नया स्टीयरिंग पहले की तुलना में ज्यादा स्पोर्टी और अप टू डेट लगता है। कंपनी ने इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4.2 इंच की कलर मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले MID भी दी है। दोस्तों इसके इंजन की बात की जाए तो इसुजू ने डी मैक्स में मैकेनिकल बदलाव भी किए हैं। वर्तमान में इसुजू डी मैक्स 1.9 लीटर BS4 डीजल और 2.5 लीटर BS4 डीजल इंजनों के साथ उपलब्ध है। इसके 1.9 लीटर इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 2.5 लीटर इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। दोनों इंजन 4 व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आते हैं। साथ ही में स्विच ऑन द फ्लाई का फीचर भी मिलता है। लेकिन अप्रैल 2020 के बाद BS6 नॉर्म्स लागू होने पर डी मैक्स केवल 1.9 लीटर इंजन के साथ ही उपलब्ध होगी। थाईलैंड में कंपनी ने इसे इसुजू MUX SUV वाले नए 3.0 लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया है। ये पहले की तुलना में ज्यादा पावरफुल और टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इसे यूरो 6.2 उत्सर्जन मानक पर भी अपडेट किया गया है। भारत में लॉन्च होने वाली नेक्स्ट जनरेशन इसुजू MUX में 1.9 लीटर डीजल इंजन को BS6 नॉर्म्स पर अपग्रेड कर पेश किया जाएगा। वहीं थाईलैंड वाले मॉडल में दिए गए 3.0 लीटर इंजन को MUX के भारतीय वर्जन में दिया जा सकता है। दोस्तों इस ट्रक के फीचर्स बड़े ही अमेजिंग हैं। नई डी मैक्स के क्रू कैब अवतार, जिसे भारत में इसे वी क्रॉस के नाम से जाना जाता है, में 7 इंच 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, ऑटो हैंड लैम्प, ड्यूल जोन AC, 6 एयरबैग्स, LED प्रोजेक्टर हैंड लैम्प और लेदर अप होल एस्ट्री जैसी खूबियां मिलना जारी रहेंगी। इसुजू ने इसी साल जून महीने में भारत में डी मैक्स का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया था। ऐसे में संभावना है कि कंपनी इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में ही भारत में लॉन्च करेगी। इस ट्रक की कीमत 17 से 22 लाख रुपए तक की रखे जाने की उम्मीद है। निसान नवारा। दोस्तों निसान ने अपनी अपडेटेड 2021 नवारा पिकअप ट्रक का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने हाल ही में यूट्यूब पर इस पिकअप ट्रक के टीजर का खुलासा किया है। 2021 निसान नवारा को नए फीचर्स व डिजाइन के साथ लाया जा रहा है। इस पिकअप ट्रक के फ्लैगशिप मॉडल को भी कंपनी पेश करेगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। ये पिकअप ट्रक दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको में निसान फ्रंटियर के नाम से बेची जाती है। 2021 निसान नवारा में कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं, साथ ही कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिससे ये कार एक परफेक्ट पिकअप ट्रक बन सकती है। 2021 निसान नवारा के फ्रंट और बैक के डिजाइन में कई अपडेट किए गए हैं। इस पिकअप के लुक को और अधिक स्पोर्टी बनाया गया है। कार के फ्रंट में आकर्षक ब्लैक ग्रिल और बड़ा बम्पर दिया गया है। कार के हेडलाइट में इंटीग्रेटेड LED DRL लाइट दिए गए हैं। कार में बाई LED हेडलाइट लगाए गए हैं, जो निसान टाइटन से प्रेरित हैं। केबिन की बात करें तो इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए अपडेट किए गए हैं। कार में नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, इंटीरियर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा कार में USB चार्जिंग और फास्ट टाइप सी चार्जिंग की भी सुविधा दी गई है। दोस्तों इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे मल्टीमीडिया फीचर्स दिए गए हैं। कार में बड़ा डिजिटल MID भी मिलता है।
2021 निसान नवारा में कई नए सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन कीपिंग असिस्टेंस और 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा जैसे कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके इंजन की तो 2021 निसान नवारा में 2.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जो कि 188 bhp पावर और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रदान करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। इस बेहतरीन पिकअप ट्रक की कीमत 25 से 30 लाख रुपए हो सकती है। जीप ग्लैडिएटर पिकअप ट्रक। दोस्तों एक बार फिर से 111 पुराने शो का लॉस एंजलिस में आगाज हो गया है जिसमें तरह तरह के मॉडल्स पेश किए जाते हैं। फिलहाल इस शो में जीप की एक शानदार कार को देखा गया है जिसका नाम ग्लैडिएटर रखा गया है और इसे देखकर होश उड़ जाना लाजमी है। जीप की इस कार को 5181 mm लंबे फ्रेम पर डिजाइन करके बनाया गया है। इसका व्हील बेस 3840 mm का है। दोस्तों अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये भी इसमें बहुत दमदार है। जी हाँ, नई जीप ग्लैडिएटर में 3.6 लीटर का पेंटास्टार V6 इंजन दिया गया है जो कि 285 hp की पावर और 352 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वही 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस किया गया है। फीचर्स के तौर पर कार में करीब 80 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इनमें फॉरवर्ड फेसिंग वाला वीडियो कैमरा, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम, फोल्डिंग विंडशील्ड, रिमूवेबल रूफ और कार को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मोड दिए गए हैं। अब तक कार को सिर्फ ऑन रोड, ऑफ रोड और रेन रोड ड्राइविंग मोड में देखा जा सकता था। दोस्तों इस पिकअप ट्रक की सबसे अच्छी बात ये है कि आप जीप ग्लैडिएटर को आप पानी में भी चला सकेंगे। नई जीप ग्लैडिएटर को कंपनी 4 वेरिएंट स्पोर्ट, स्पोर्ट एस, ओवरलैंड, रूबिकन में पेश करेगी जिसमें सबसे खास रूबिकन वेरिएंट होगा जो कि रोड फोकस्ड होगा। रूबिकन में 11.1 इंच का ग्राउंड क्लीयरेंस है और जिसे 30 इंच के पानी में भी आसानी से चलाया जा सकेगा। कार की फीचर्स को देखते हुए कीमत को लेकर अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन कार की कीमत 50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है। लॉन्चिंग की बात करें तो जीप ग्लैडिएटर 2021 तक ग्लोबल लेवल पर लॉन्च हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा ट्रक खरीदना चाहते हैं।